तो आज के हमारी इस क्लास में हम गोहेल जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेस, और एमएस एक्सेस में बात करेंगे क्यूरी की। तो गोहेल जी, मैंने आपको जो है रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप सेशन को रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके सर। अब बात करते हैं सिक्वल क्यूरी की एंड क्यूरी की एक्सेस क्यूरी, देन हम सिक्वल के बारे में बात करेंगे। ओके सर। तो मेरे पास एक डेटा है जो देख रहे हैं, डीटी के नाम से एक डेटा है, थोड़ा सा लंबा डेटा है, राइट। अब क्या है कि मुझे ये डेटा एक्सपोर्ट करनी है, मुझे ये डेटा एक्सपोर्ट करनी है एक्सेल में या नोटपैड में या वर्ड में या रिपोर्ट में। ओके। बट क्या है कि मैं इस एक्सेल इस पूरे के पूरे डेटा को मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके किस पर्टिकुलर कॉलम्स को चाहिए, समझे। हाँ सर। तो उस केस में हम बात करते हैं क्यूरी की। तो सबसे पहले हम बेसिक क्यूरी के बारे में बात करें। आपको यहाँ पे क्यूरी बिजार्ट आपको दिख रहा है और क्यूरी डिजाइन दिख रहा है। क्यूरी अच्छा। बिजार्ट में जैसे यहाँ फॉर्म बिजार्ट था आपका, जो बनाया बनाया फॉर्म था, इसको यूज कर सकते हो। ऐसे यहाँ क्यूरी बिजार्ट में आपको बने बनाया क्यूरीज है, जो की चार है, सिंपल क्यूरी, क्रॉस टाइप क्यूरी, फाइन डुप्लीकेट क्यूरी बिजार्ट एंड फाइन अनलिमिटेड क्यूरी, अनमैच क्यूरी बिजार्ट। तो आज आपके साथ सिंपल क्यूरी एंड क्रॉस टाइप क्यूरी मैं डिस्कस करूंगा। सिंपल क्यूरी में हम यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ आपको कौन कौन सा फील्ड चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, मुझे कस्टमर चाहिए, इंडस्ट्री, रीजन, प्रोडक्ट, और मुझे यहाँ पे चाहिए किस साल में और कितना एक्चुअली में सेल हुआ है, मुझे एस्टिमेट, क्वार्टर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये चीजें नहीं चाहिए। और यहाँ से टेबल आप चूज कर सकते हैं किस टेबल पे क्यूरी आप अप्लाई करना चाहते हो। तो डीटी पे अप्लाई करना, तो डीटी बाय डिफॉल्ट था, तो डीटी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद आता है कि आपको समरी में चाहिए, समरी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्या चाहिए आपको। तो फिर यहाँ समरी को मैं छोड़ देता हूँ, मुझे डिटेल चाहिए, मतलब मुझे पूरी की पूरी डेटा चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट किया और यहाँ पे फिनिश किया। फिनिश करने के बाद एक क्यूरी नाम का यहाँ देखिए डेटा आ गया, क्यूरी सेक्शन बन गया। डबल क्लिक कीजिए इस पे, अगर डबल क्लिक करते हैं तो डीटी क्यूरी के नाम से देखिए जो चाहिए था वही आपको आया। अब इसको यहाँ से जो है डेटाबेस टूल्स में आप यहीं से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सेल डेटा में ये देखिए एक्सपोर्ट दिख रहा है आपको, मुझे एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। ये आपका एक्सेल में सेव रिपोर्ट पे करेंगे तो बार बार आपको सब चीजें ढूंढने, नाम वगैरह देना जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे कि माय डॉक्यूमेंट के अंदर में जो मेरा माय डॉक्यूमेंट है, उस माय डॉक्यूमेंट के अंदर में एक एक्सेल की फाइल एक्सपोर्ट हो गई है डीटी क्यूडी के नाम से, दिख रहा है सर। हाँ सर। इसको ओपन करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं सर। तो सिंपल क्यूरी से क्या करते हैं, फिलहाल हमने जाना कि सिंपल क्यूरी की मदद से जो जो कॉलम मुझे चाहिए उस कॉलम का डेटा हम लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ सिंपल क्यूरी में हमने बाला जहाँ ओके। इसमें और कुछ चूज नहीं, जैसे आप जो जो चीजें चूज करें, जो चीजें आप चूज करेंगे हाँ। उसी का रिपोर्ट आएगा। अच्छा, ठीक है, इसमें और कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं है, ठीक हाँ। है सर। लेकिन इसमें जब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक दिखता है समरी, एक हुआ कि डिटेल्स, मतलब कि आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए, आपको पूरा का पूरा डेटा चाहिए, या उस डेटा में से कोई आपको उसकी समरी पीपट की तरह समरी चाहिए। तो मैंने समरी पे आपके डिटेल्स तो मैं बता चुका हूँ, मैं समरी पे आता हूँ और समरी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि आपको ईयर सम किसका करना है, क्योंकि तो आपके पास रेवेन्यू भी है, ईयर भी है, दोनों नंबर है। तो मुझे इसका एक्चुअल का सम करना है एंड ओके कर दिया एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ अजीत जो है 2015 में कितना था, 2016 में कितना था, 2017 में कितना था।
अब एक अगर ईयर वाली कॉलम नहीं होती तो ये अजीत सिर्फ एक बार होता, बात समझ रहे हैं? समझ गया सर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइन एक इंच, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने एक साल में जितना सेल किया, तीन हमारे एक साल में उसकी अगर 1000 एंट्री है तो उस हजारों एंट्री को सम करके यहाँ टोटल फिगर इसने दे दिया। ओके। अब इस टोटल फिगर को मुझे एक रिपोर्ट फॉर्मेट में अलग करना है, तो देखिए रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, तो जैसे फॉर्म बनाते हैं ना उस तरह से आपका रिपोर्ट बन के तैयार होगा। अब रिपोर्ट में यहाँ अपना लोगो डिसाइड कर लीजिए, जो लोगो आपको चाहिए। जैसे मैं यहाँ आता हूँ पिक्चर्स पे और हमने इसको सेट कर लिया। ये आपको देखा कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि मुझे इसकी प्रॉपर्टीज में क्या करना था, पिक्चर प्रॉपर्टीज के अंदर क्या करना था सर? मैं भूल गया सर, वही मैं पूछने वाला था सर, लास्ट टाइम मैं कर रहा था ना। यहाँ क्लिप है, साइज जो क्या है, क्लिप है, क्लिप को हमें स्ट्रेच कर देना है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद डीटी क्यूरी वन इसके जगह पे दे दीजिए ईयरली टाइटल दे दीजिए सेल्स रिपोर्ट कस्टम, ठीक है? ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, आप कुछ ऐड पेज नंबर ऐड करना चाहते हो, टाइटल ऐड करना चाहते हो, कुछ और ऐड करना चाहते हो, कोई बटन सटन चाहिए तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, हमने इसको यहाँ से क्लोज करके यस कर दिया और यहाँ पे मैं रिपोर्ट के नाम से सेव कर दिया। अब जैसे यहाँ देखिए, जब ये रिपोर्ट दिखेगी तो कुछ इस तरह से आपको दिख रही है, ठीक है सर? मुझे इस रिपोर्ट को एक्सटर्नल डेटा में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में या टेक्स्ट में या वर्ड में, मोड यहाँ दिख रहा है, वर्ड में करना है या एचटीएमएल में करना है, दोनों में कर सकते हैं, एक्सएमएल में करना है। तो मैं इसको वर्ड में आता हूँ और इसको ओके करता हूँ एंड क्लोज। आप देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट के अंदर एक वर्ड फाइल रिपोर्ट के नाम से बनी है और आपका डेटा वर्ड में इस तरह से बन गया है, एक रिपोर्ट के फॉर्म में, ठीक है? ठीक है। इसके बारे में और डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं दूसरा क्रॉस टैब में। जैसे मुझे पता करना है कि किस कस्टमर ने किस ईयर में कितनी कितनी रेवेन्यू को जनरेट किया है, समझे? तो बोले जैसे इससे पहले तो हमारा जो ये डीटीक्यूडी वन है वो भी तो यही काम कर रहा, लेकिन इसमें क्या है कि इस तरह से मुझे चाहिए क्रॉस टेब, मतलब कि पिवट टेबल में एक बार हेडिंग में हो, छोटा सा रिपोर्ट चाहिए, बहुत बड़ा हो गया। मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए, एक तरह से मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो इसको सेलेक्ट किया और हम क्रिएट में चले गए, क्यूरी विजार्ड पे हमने क्रॉस टैब क्यूरी को सेलेक्ट किया, राइट? क्रॉस टैब क्यूरी को जब हम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डीटी को सेलेक्ट किए, टेबल है, हम क्यूरी पे भी लगा सकते हैं इसको। उसके बाद हमने बोला मुझे कस्टमर चाहिए, यहाँ कस्टमर 1 2 3 आ गया। फिर नेक्स्ट हमने बोला मुझे ईयर चाहिए, ईयर 1 2 3 आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए और इसकी एक्चुअल वैल्यू का सम, क्या चाहिए? सम। तो यहाँ से इस तरह से बन गया, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है सर? ठीक है सर। पिवट कितना दिख रहा है? टेबल ईयर की टोटल सम आया और उसका ईयर में कितना है वो सब कितना है वो आया। हाँ, मतलब कि अजीत का एक टोटल ये रहा है, कस्टमाइज रिबन में आते हैं, ऑल कमांड में हम यहाँ पिवट एक नाम का होता है,
ओके okay, एक और मैं यहाँ पे क्यूरी बना रहा हूँ, हाँ इसी का लेता हूँ। यहाँ हम आते हैं क्रिएट क्यूरी बिजार्ड, सिंपल क्यूरी लेते हैं। क्वेरी का क्वेरी ले रहे हैं सर जी, क्वेरी का लेने का कि टेबल का बना रहा हूँ मैं। क्यूरी पे भी क्यूरी बना सकते हैं, ये बताया मैं आपको। समरी में हमने बोला सम ऑफ का सम करना है, ओके नेक्स्ट एंड देन फिनिश, ठीक है। तो हम क्यूरी का भी क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कल की क्लास में। कल तो नहीं होगा, मंडे की क्लास में हम बाकी जो भी जानेंगे, ठीक है। अच्छा, और